जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही सबको. है सबको एंड स्क्रीन शेयर है यस मैम यस मैम ओके अच्छा ये एफ पी ए कैलकुलेटर जो है ना आपने राइट करना है गूगल से कि यानी कि हम प्रॉफिट मार्जिन अपनी प्रोडक्ट का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं अमेजोन आई पी ए कैल्कुलेटर फॉर यूके या फिर आपने राइट किया अमेजोन ए पी ए कैल्कुलेटर फॉर जिस भी कंट्री के लिए आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना उसी का कैलकुलेटर जो है ना वो आपने फाइंड आउट कर राइड uh, करना है उसी मार्केट प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने राइट करना है अमेजोन एफ पी कैलकुलेटर और जो भी मार्केट प्लेस होगी वो राइट करेंगे और उसके रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लिंक्स आएंगे जिसमें से ये देखें एड्स वाले लिंक है ये अथेंटिक नहीं हो सकते सो डैट्स वाई मैंने इसकी इसको राइट right क्लिक किया एंड देन इस तरह का पेज ओपन हुआ अभी आप देखें कंटिन्यू एज गेस्ट ओके कंटिन्यू एज गेस्ट जब आप यानी कि करेंगे ना उस पर क्लिक तो अब आपने यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एसन एस अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट दें देन हम आपको कैलकुलेटर ओपन करके देंगे ऐसन आपको कहाँ से नज़र आता है ऐसन होता है अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर और ये अमेजोन हर प्रोडक्ट को असाइन करता है एक नंबर जिसको एसन एस कहते हैं यहाँ तो ये आपको टॉप से यहाँ से नजर आ जाता है ये यह देखें यहाँ से ये यह देखें स्लैश के दोनों साइड मिड में ठीक है ये इतना इतना ये वाला हो सकता है या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट की डिटेल पेज से भी आप कॉपी कर सकते हैं ये देखिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ठीक है यहाँ से आपने कॉपी किया इसको और यहाँ पे आके ना कैलकुलेटर में यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया सो पेस्ट करके सर्च पे क्लिक करना है। देन आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देंगे ठीक है अब आपने कैलकुलेटर में क्या करना है कि योर फुलफिलमेंट तो होता है एफबीएम जो कि हम नहीं कर रहे और आ, amazon फुलफिलमेंट होता है कि एफबीए यानी हम amazon के थ्रू काम करने जा रहे हैं एफपी और एफबीएम में कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे बताएगा मुझे मैम एफबीएम हो रही है का जो प्रोडक्ट है जब हम उसे amazon के वेयर हाउस में शिप करा देते हैं तो वो कस्टमर तक उसकी जिम्मेदारी होती है हर चीज की अः पेमेंट की और पहुँचाने की डिलीवरी की हर चीज की जिम्मेदारी अमेजोन की होती है बेसिकली वेयर हाउस जो होता है हमारा अमेजोन होता है और एफ पी एम में ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के अपना हमने कोई वेयर हाउस अरेंज करना होता है जहाँ से हम फिर उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है डिलीवरी की कस्टमर सर्विस सारी हम खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं ठीक है ठीक है ज़बरदस्त माशा डेट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट इसी तरह जो है ना मैं आपको इंगेज इसीलिए रखती हूँ कि ये चीज़ें साथ साथ आपको भी क्लियर होती जाएँ बाकी uh, आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन uh, किया है Amazon FBA जो है ना वो बेसिकली यही है ना कि जो आपने एक्सप्लेन किया राइट ना हो कि हम क्या करते हैं कि हमने अपनी शिप में अपनी इन्वेंट्री Amazon की स्पुर्द कर दें या आगे Amazon ने बाहर आया तो सारी चीज़ें हैंडल करनी है पिक पैक एंड शिप या जो भी प्रोसेस करना वो अमेजोन ने करना है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बीच में अगर कोई रिस्क का प्रॉब्लम भी आ जाता है तो वो अमेज़ॉन ही रिस्पॉन्सिबल होगा वो हम नहीं होंगे so no सो डैट्स वाई नो डाउट के अमेजोन की फीसिस तो हमें पड़ेंगी बट हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम अमेजॉन की अमेजोन के के थ्रू जो है एफ बी आई के तौर पर काम करें और एफ बी आई तो वही कर सकते हैं ना जो यू के या यू एस ए में बेस्ड है तो बेसिकली वो कर सकते हैं और इतनी हैज़ल कौन करे सो so, हम फिर अमेज़ोन को कहते हैं भाई थोड़े बहुत चार्जेस ले लेना जो बनते हैं आपके लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो बाय को आपने ही देनी है नेक्स्ट देखें जी अमेजोन फुलफिलमेंट में हम क्या करते हैं कि इट्स ये किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे आइटम की प्राइस आइटम की प्राइस हम एंटर करेंगे ये देखें आइटम की प्राइस प्राइज़ यहाँ पे आइटम की प्राइस थी फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन डॉलर ठीक है सो फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन डॉलर थी अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एंटर कर दी फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन डॉलर यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि शिप जो है ना यानी कि ये जो शिप टू अमेजोन है जो फ्रेड फॉरवर्डर ने बेसिकली आपसे लेने हैं वो कितने चार्जेस ले सकता है देख लेते हैं यानी कि वो एस्टिमेशन के हिसाब से आप वन डॉलर लगा लें लेकिन आ, राइट नाउ यानी कि दो डॉलर लगा लें दो डॉलर टू डॉलर तक जो है ना वो चार्ज करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है अब यहाँ पे वो प्राइस लगानी है जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है यानी हमें जितनी कॉस्ट की पड़ रही है सप्लायर से तो सप्लायर से कॉस्ट जो हमें पड़ रही है ना, वो हमें तकरीबन आप एवरेज लगा लें जी हमें सप्लायर से दो डॉलर की जो है ना वो प्रोडक्ट मिल रही है दो डॉलर की ठीक है यानी कि हमें अमेजोन पे वो फिफ्टीन पॉइंट नाइन नाइन की सेल आउट हो रही है लेकिन हमें जो पीछे पड़ी वो दो डॉलर की मिल रही है सप्लायर से जो बारगेनिंग नेगोशिएशन या जो भी हमने करके तो उससे अपनी प्राइस की प्राइस कम करवाई थी तो दो डॉलर इट्स मीन कि हमें कॉस्ट प्रोडक्ट की दो डॉलर पड़ रही है सो तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये देखिए फोर्टी थ्री परसेंट हमें प्रॉफिट मिल रहा है और ये ये uh, तकरीबन ट्वेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए ठीक है सो so, इस तरह से हम ना प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कर लेते हैं तो होपफुली ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे पहले अमेजोन एफ पे कैल्कुलेटर आपने ओपन करना है देन आपने एसन एस टाइप करना है जो कि मैंने दो प्लेस आपको बताई कि एसन दो जगह पे होता है और वहाँ से दोनों जगह से आप कहीं कहीं से भी टॉप से भी या बॉटम से भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से आप कॉपी कर सकते हैं इसको आपने कॉपी किया एंड देन वो प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट का इमेज शो हो जाएगा ठीक है आपने ये मेक श्योर sure कर लेना इमेज वही है ना कहीं दूसरा तो नहीं कोई ऐसा नोट उठा लिया हुआ आपने फिर क्या करना है कि ये जो कैलकुलेटर आपने इसी तरह जो आपको मेथड बताया उसी तरह आपने कैलकुलेशन कर लेनी है सो यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट पे आपको प्रॉफिट मार्जिन शो हो जाएगा एंड दैट इज़ द प्रॉफिट मार्जिन आपने क्या करना है अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट की है विनिंग प्रोडक्ट तो आपने अपने एस्टिमेशन से जो है ना ये सोर्सिंग प्राइस जो है ना वो आपने अपने एस्टीमेशन से लगानी होती है जी अमायमा आपके आपका क्वेश्चन लेते हैं जस्ट ये हमारा एंड पे गया हुआ है काम तो ये कंप्लीट हो जाए देन इन क्वेरीज पे आते हैं अच्छा जी मैं आपको बता रही थी कि बेसिकली ना ये यहाँ से आपने ना स्क्रीन शॉट भी लेनी है मैंने आपको लाइट शॉट ये वाला फीदर लाइक लाइट शॉर्ट एक्सटेंशन भी बताई थी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करके तो जहां से आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की कॉपी लेनी है वहां तक आप इजीली ले सकते हैं ये देखिए अब uh, यानी कि ये ऑप्शन आएगा सेव का एक सेकेंड ये देखें ये सेव का ऑप्शन है मैं अगर इसको जहाँ पे भी डेस्क डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे इसको सेव करके तो देन यानी कि इसी तरह बाकी स्टैट्स लेके प्रोडक्ट के तो देन मैं यानी कि शो करवाऊंगी और जब क्लाइंट को पता चलेगा कि बाकी सारे स्टैट्स भी अच्छे हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा इतना अच्छा आ रहा है तो देन डेफिनेटली वो आपसे बाय कर लूगा प्रोडक्ट ओके सो so, आज का टॉपिक हमारा यही था सोर्सिंग कम्प्लीट हो चुकी है हमारी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वो भी हमने कर लिया एंड अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अब करें एंड देन नेक्स्ट मैंने असाइनमेंट भी आपको असाइन कर दिया जी, uh, है जी आप क्वेश्चन करें मायमा मैम मैं ये पूछ रही थी कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उस वक्त तो हमारी सप्लायर से कोई बात नहीं हुई हो भी होती और तो फिर हम ये प्रॉफिट uh, मार्जिन जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो टू डॉलर जो आपने प्राइस रखी तो हर प्रोडक्ट अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अलग प्रोडक्ट हंड की होगी जिसकी प्राइस डिफरेंट होगी किसी और ने कोई और की होगी तो तब भी हम दो ही रखेंगे ये है नहीं 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 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है तो, और cost है और कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो तो आपने सप्लायर से लेनी है ये जो बार्गेनिंग या सप्लायर से मेथोडोलॉजी बताए हैं कॉन्टेक्ट करने के ये किस लिए बताए हैं ये यही तो प्राइस लेने के लिए बताए हैं क्या आपने उनसे प्राइस लेनी होती है अपनी प्रोडक्ट की अब प्राइस अगर लेट्स ही नहीं लेते सम अगर आप नहीं मतलब ले सकते तो उसका एस्टिमेशन आपने लगाना होता है एक एक सेकंड में आपको बताती हूँ ये कैसे आपने करना है एक सेकंड <coughs> मैम जब हम कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसके तो टेंट ऑफ सेलर्स होते हैं तो आपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट ली है तो वो आपने कौन से कॉम्पिटिटर की लेनी है एक सेकंड मैं आपको ये बताती हूँ ये देखें कंपटीटर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंपटीटर की प्राइस आपने उठानी होती है और टॉप थ्री में से कोई भी एक प्राइस आप सेलेक्ट कर लें सेकेंड थिंग ये देखें ये अली वाली स्क्रीन शेयर है आपसे जी अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए मैंने अपनी प्रोड अपना कीवर्ड था मेरा चीज़ ग्रेटर मैंने उसको राइट किया था यहाँ पे, यह देखें। यह पे ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये देखें चीज़ ग्रेटर मैंने वही अपना कीवर्ड राइट किया जो कि मेरा एक विनिंग प्रोडक्ट का कीवर्ड था उसको राइट किया नीचे तमाम सेलर वही आ गए ठीक है अभी मैंने अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट प्रोडक्ट देखनी है मेरी प्रोडक्ट से रेलीवेंट ये नज़र आ रही है ठीक है मैंने इसको राइट साइड पर क्लिक कर लिया ठीक है अब जब मैंने इसको राइट साइड पे क्लिक किया ना तो ये देखें मुझे नजर आ गया कि थाउजेंड से टू थाउजेंड के दरमियान अगर मैं उससे आ, पीस लूँगी तो मुझे इतनी इतने की पड़ेगी थ्री पॉइंट सेवन थ्री ठीक है मैंने वहाँ पे टू राइट किया है लेकिन यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन थ्री है अब मैंने आपको बताने के लिए स्क्रीन शेयर करके बताया है कि हम ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना ये कहाँ से कैलकुलेट देखते हैं वो हमें यहाँ पे अली बाबा पर जा पता चलता है ठीक है अपनी अपना कीवर्ड राइट करते हैं अपनी प्रोडक्ट मैच करते हैं और देखते हैं पहले सप्लायर को चूज़ करने के तमाम क्राइटेरिया सेट करने होते हैं ये दो चेक से अपने लगाने हैं फिर देखना क्या थ्री जैम्स हैं उसके पास क्या वो वेरीफाइड है क्या उसकी रेटिंग अच्छी है क्या वो उस वो उसने ट्रांजेक्शन अच्छी खासी कर ली हुई है क्या मतलब इस तरह से और अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट उठाने हैं ये देखिए मेरी प्रोडक्ट चीज़ ग्रेटर इस तरह की थी ये इस तरह की नहीं थी नो डाउट के टाइप्स तो दोनों ही हैं बट मेरी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की थी सो मैंने जितने भी सेलर इस तरह की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं ना मैंने उन पे क्राइटेरिया मैच करना है अगर वो क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो देन हमने फिर उसको फर्दर जो है ना यानी कि उन, उन, उनकी प्राइस देखनी होती है अभी ये देखें यहाँ से ये मिसाल के तौर पर मुझे ये प्रोडक्ट की प्राइस ये आ, सप्लायर जो है ना इस, इस आ, पीस या इस सेट के साथ मुझे ये प्राइस दे रहा है तो इट्स मीन मे भी मैं कोई और इसी तरह की प्रोडक्ट देखूं नीचे तो मैम जै, देखे जैसे ये प्रोडक्ट है इसके नीचे लिखा हुआ शिपमेंट तो हम इसकी जो कैलकुलेट करेंगे वो शिपिंग के साथ करेंगे आ, वो फिर सप्लायर आपको बताते हैं ना कि इधर वो डीडीपी प्राइस देंगे या क्या हिसाब किताब है वो सप्लायर से फिर बात करने से लेकिन वैसे आपने कैलकुलेशन जो है ना वो एस्टिमेशन के लिए अगर करनी है तो वो सिंपल आपने ना प्राइस यहाँ से उठा लेनी है कि ये प्राइस आ, सप्लायर मुझे देगा ठीक है तो वो फिर बाद की बात है कि वो आपने उनसे बात करके डीडीपी लेके प्राइस तो फिर आपने फर्दर यानी एक ऑथेंटिक डाटा जो है ना अपने पास रखना होता है लेकिन वो बात की बात होती है जब आपको क्लाइंट गो ही दे दे कि मुझे सोर्सिंग भी करके दो तो फिर आपने सप्लायर से बात करके तो फिर आपने उस तरह से डी प्राइस लेनी होती है लेकिन स्टार्टिंग पे फिर आपने यही कैलकुलेशन प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के लिए आपने सिर्फ एस्टिमेशन के लिए यहाँ से उठानी है ठीक है

कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास कोई वो कंपटीटर की वो ही नहीं होगा प्राइस नहीं नहीं पहले आपने कंपटीटर जो है ना कंपटीटर की मतलब आपने अपने पास एस्टिमेशन रखनी होती है यानी मिसाल के तौर पर चीज ग्रेड पर यही एक कीवर्ड था इसमें जो जितने भी सेल सेल आउट कर रहे हैं ना टॉप टेन में हमने देखना है वो कंपेटिटर हमारे होंगे जिनके रिव्यूज सबसे कम है और रेवेन्यू सबसे ज्यादा है ठीक है सिंपल सी बात ज़्यादा है उन उन sellers को हम अपना competitor select करते हुए उनकी price की uh, price, uh, को consider करते हुए हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करनी होती है जी और किसी का क्वेरी हो भाँगे ये तो आपने एसएन कॉपी किया है तो एसएन भी हम टॉप टेन में से किसी एक प्रोडक्ट का कॉपी करके आ, उसमें कैलकुलेटर में डालेंगे वो अपने का ही आप करेंगे ना मिसाल के तौर पर जी आपका कंपेटिटर जो होगा उसको राइट साइड पे आप नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे फिर वहां से आप उसके एसएन को कॉपी करके तो एफ बी कैलकुलेटर में जाके तो आप फर्दर आप प्रोसेस करेंगे अच्छा मैम ये जो कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्ट तो आपने बता दी कि यहाँ से अलीबाबा से हम एस्टिमेट कर सकते हैं और जो शिप टू अमेजोन की जो आपने प्राइस डाली थी टू डॉलर वो वो शिपमेंट की कॉस्ट कॉस्ट की प्रोडक्ट जो कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्ट है ना वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहाँ से हमें पता चलती है यहाँ से पता चलेगी अलीबाबा पे आपने अपना कीवर्ड राइट right करना है जितने भी सेलर नज़र आ रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो कोई प्रोडक्ट है और वो अलीबाबा के क्राइटेरिया को मी के क्राइटेरिया को मीट भी कर रही है तो देन उसको राइट साइड पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये प्राइज ही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाले आ, आ, वो बॉक्स में जाके तो एंटर कर देंगे ठीक है तो वहां से फिर हम सर्च पे क्लिक करके तो हमें आंसर आ जाएगा थैंक यू so, uh, तो मैम एमेजोन जो फी चार्ज करता है हमें वेयर uh, हाउस में रखने की वो वाली कैलकुलेटर में कहां पर है अमेजोन जो फीस चार्ज चार्ज करेगा ना वो बेसिकली पर प्रोडक्ट वेरी करती है अमेजोन की मर्जी है जी हम आइसक्रीम्स खूब चार सेल आउट कर रहे हैं तो वो में भी हमसे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन यानी चार्ज कर ले और अगर हम चीज़ ग्रेटर कर रहे हैं तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू कर ले इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन अमेजोन वो एफ भी कैलकुलेटर में हमें पता नहीं चलता वो अमेजोन अपने तौर पर यानी काट लेता है और इवन दो कि हमें जंगल स्काउट बता देता है जब आप राइट कीजिएगा और जंगल स्काउट में आपको बताई भी होगी कि अमेजोन फी किस हिसाब से एक कॉलम होगा और वो हमें बताई होती है की हमारे कंपेटिटर को कितनी चार्ज पड़ी और हमें कितनी पड़ेगी तो मैम फिर हमारे इस प्रॉफिट मार्जिन में जो फोर्टी परसेंट है इसमें अभी अमेजॉन फी कट होगी ना, ना अभी डिडक्शन जी जी इसमें इंक्लूड है इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी अः एक सेकंड मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ आपको सेकंड अच्छा जी ये देखें अब अगेन आपने ना इस चीज को ना वो कंसीडर करना है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि ये देखें इस आइटम जो, जो है आइटम प्राइस जो है ना वो ये है कि जो कंपेटिटर थे ना जंगल स्काउट को रन करके टॉप टेन कंपेटिटर थे ना ध्यान से सुनना है अभी ये क्वेरी दोबारा जो है ना वो मुझे होपफुली कि नहीं आएगी आपकी तरफ से क्या अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको कि ये देखें आइटम प्राइस जो है ना बेसिकली क्या है कि अगर जंगल स्काउट को रन करके टॉप टेन के जो कंपेटिटर टॉप टेन के जो होते हैं ना वो हमारे कंपेटिटर ही होते हैं लेकिन उनमें से जो मेन कंपेटिटर है ना वो कौन से होते हैं जिनके रिव्यूज कम और रेवेन्यू ज्यादा हो अगेन रिपीटेड डेट रिव्यूज कम एंड रेवेन्यू ज्यादा वो हमारे कम्पैटिटर हैं उनमें से वो ये नहीं होता कि वो टॉप में थ, तीन जो बैठे हैं वही होंगे हमारे कंपेटिटर नहीं वो मे भी आ, कम रिव्यू और हाई रेवेन्यू वाला आठवें से आठवें नंबर पे बैठने वाला सैलर भी हो सकता है तो उसकी उ, फिर हम क्या करेंगे उसको ना अला, अलग टैब में ओपन कर लेते हैं आठवा जो आठवां वाला सैलर है या जो भी सैलर जिसके रिव्यू कम और रेवेन्यू ज्यादा उसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेते हैं उसको ओपन करने के बाद हमने उसकी प्रोडक्ट की प्राइस देखनी होती है कि वो कितने की सेल आउट कर है ठीक है ये देखें मिसाल के तौर पर ये मेरे आठवें आठवें नंबर पे ये सेलर आ रहा था ये मेरा कम्पैटिटर है मैंने इसको नए टैब में ओपन कर लिया सिंपल यहाँ पे ये देखे टाइटल के नीचे टाइटल के नीचे प्रोडक्ट की प्राइस बताई होती है मैंने यहाँ से कॉपी की प्रोडक्ट की प्राइस ठीक है और एफ कैलकुलेटर में आई यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी अपने कम्पैटिटर की प्राइस ही पेस्ट की ना सो so नेक्स्ट आप नीचे देखें शिप टू अमेज़ोन ये शिप टू अमेजोन बेसिकली क्या है कि जो फॉरवर्डर ने मेरे से प्राइस लेनी है यानी शिपमेंट के जो मुझे चार्जेस पड़ने हैं वो टू डॉलर है एवरेज के हिसाब से टू डॉलर जो है ना राइट नाउ कंसीडर किए जाते हैं अभी ये देखें एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड यानी अमेजोन ने स्टोरेज फीस मेरे से एक डॉलर ले लिया है ठीक है यहाँ पे आपको आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो अमेजोन की फ़ी है ना वो इंक्लूड है इस कैलकुलेटर में ठीक है उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो मुझे दो डॉलर वो पड़ी जो मैंने पहले आपसे स्लाइड शेयर की हुई थी कि मैंने अलीबाबा की आ, सर्च टर्म में राइट किया की अपना कीवर्ड और नीचे मेरे की आ, मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो पहले तो मैंने क्राइटेरिया मी, मीट करना है ना कि वो सेलर हो जो कि यानी जिसके पास थ्री जैम्स हो ट्रांजैक्शन इतनी हो गई हो रिस्पांस रेट इतना हो वो यानी कि ट्रेड एश्योरेंस हो ठीक है वेरीफाइड हो तो रेटिंग उसकी अच्छी हो ये चीज़ें जो सारी मीट करनी है मैंने फिर मैंने वो सेलर फाइंड आउट करने हैं जिनका जिनकी प्रोडक्ट का इमेज जो है ना मेरे कंपेटिटर वाले इमेज से रिलेट करता होगा ठीक है अगेन मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि होपफुली कि आपको बस कॉन्सेप्ट मिल जाए एक दफ़ा ये देखें चीज़ ग्रेटर मैंने राइट किया था सबको नज़र आ रही है स्लाइड ओके yes, 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 okay. ये देखें चीज ग्रेटर मैंने राइट किया था नीचे ये प्रोडक्ट आई अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले तो मैं इन दोनों को चेक करूंगी ना ठीक है उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी मेरी प्रोडक्ट चीज ग्रेटर इस तरह की नहीं थी ना ही इस तरह की थी मेरी प्रोडक्ट इस तरह की थी ठीक है वैरायटी कितनी ज्यादा आ रही है yes, कि ठीक है और मैंने अपनी इमेज को देख के कंसिडर करना है सेलर को यहाँ से सप्लायर को ओके सो सप्लायर को मैंने चूज करने के लिए सबसे पहले मैंने इमेज और फिर मैंने उस पर कि उसको अलीबाबा पर कितना अरसे से वो काम कर रहा रहे वो वेरीफाइड है कि नहीं या फिर अगले टैप पे ओपन करके इसको इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखूंगी हर चीज ओके अगर होगी तो देन ये सोनम का मैसेज आया है कि आप उनको सोनम का मैसेज आया और सोनम ग्रुप पे मैसेज कर रही है कि एक सेकंड आ... अच्छा वो उनको आप इंडिविजुअल मैसेज करें कि वो अभी मुझे उनका यहाँ पे शो नहीं हो रहा वो दोबारा जो है ना वो एक सेकंड हो गया हो गया ठीक है उनको बोले हो गया अच्छा इस तरह से है कि अभी मैं आपको बताने जा रही थी कि Osionfish. मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो देखें कितनी तरह की चीज ग्रेटर आ गई है ये देखें ये भी टाइप है ये भी टाइप है कितनी टाइप्स की आ गई है मेरी प्रोडक्ट जो मैंने पीछे कंपेटिटर के हिसाब से सिलेक्ट करनी है वो इस तरह की है सो so, फिर मैंने इस तरह की प्रोडक्ट्स फाइंड आउट नीचे मज़ीद करनी है कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाए और फिर मैं उन सप्लायर से बात करूं ये देखें ये देखें नीचे इतने ज्यादा सप्लायर आएंगे ना तो आपको अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ये देखें आगे फर्दर सेवन पेजेस हैं तो मतलब जो भी सेलर मे अब बेसिकली क्या होता है आर एफ़ क्यू में हमें इस तरह के सेलर भी अप्रोच कर सकते हैं फिर हमने क्या करना होता है कि उनको अपनी प्रोडक्ट का इमेज बताना होता है इसीलिए इमेज को ऐड किया जाता है आर एफ क्यू में कि हमें अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है ना यानी कि प्रोडक्ट मिल जाए इस सप्लायर से मिसाल के तौर पे इसी ने मुझे आर एफ़ क्यू पर अगर खुद अप्रोच किया मुझे खुद सेंड किया मैसेज किया है तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट का इमेज इसको दिखाऊंगी कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए और ये कलर है ये डिज़ाइन है ये वेरिएशन है ये आ, मतलब इसका वेट है ठीक है सो so, ये चीज होती है और मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मिसाल के तौर पर जी ये प्रोडक्ट थी आ, ये वाली ये देखें मिसाल के तौर पर जी ये मेरी प्रोडक्ट थी और ये सारे क्राइटेरिया पे मैच भी कर गई फिर मैंने इसको नए टैब में ओपन किया अभी ये मैच तो नहीं कर रही थ्री जैम्स उसके पास नहीं है सिर्फ वन जैम बट मैंने एस्टिमेशन के लिए वैसे बता रही हूँ टाइम शॉर्ट होता है अभी एग्जैक्ट तो नहीं मैं फिगर फाइंड आउट कर सकती तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी प्राइ, प्राइस जो है ना एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कॉपी की ठीक है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जहां पे शो हो रहा था ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वहां पे जाके मैंने ओपन कर दिया ओके ये देखें ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ये देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा था मैंने यहाँ पे आके वही कॉपी पेस्ट कर दिया है सो so, अगर मैं एस्टिमेशन लगाती हूँ तो मेरे पास आप थर्टी टू मार्जिन बनाए ये आपको सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं यस मैम ओके अभी ठीक हो गया ठीक हो गया एक क्वेश्चन और था कि फॉर एग्जांपल हमने अपना प्रोडक्ट अलीबाबा पे सर्च किया हमारी इमेज तो मैच कर गई लेकिन उस क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी इमेज डिजाइन तो मैच कर रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा सप्लायर जो है वो सारे क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहा या फिर हाँ। मिल जाते हैं आसानी से नहीं नहीं हो जाता ऐसा नहीं फाइंड आउट हो रहे होते फिर आर एफ क्यू के थ्रू हमने अप्रोच करना होता है होपफुली कि आर एफ क्यू के थ्रू थ्रू ना हमारा काम चल जाता है तो बाकी ये है कि ओवरऑल अगर हम फिर हम सप्लायर को ना बताते हैं कि हमें ये आपके तो चलो ये डिजाइन है लेकिन हमें ये वाला चाहिए तो वो बनवा देते हैं क्योंकि वो मैनुफेक्चर मैन्यक्चरार होते हैं तो वो बना देते हैं ठीक है मतलब हमें प्रायोरिटी सप्लायर के क्राइटेरिया को देनी है अगर डिजाइन नहीं भी मैच कर रहा तो हम उससे बात करके अपने डिजाइन अपने मर्जी का डिजाइन बनवा लेंगे एग्जैक्टली exactly. तो प्रायोरिटी हमें एग्जैक्टली exactly यही चीज प्रायोरिटी हमें डिजाइन को देनी होगी जी रहीम आप क्वेश्चन करें जी मैम सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मैम मेरा क्वेश्चन ये कि प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड है जिस तरह फॉर uh, सपोज हमारी प्रोडक्ट है स्पून ठीक है और स्पून के अंदर हमारी प्रोडक्ट है वुडन स्पून ठीक है तो जब हम उसमें जे एस एक्सटेंशन और हीलियम टेन रन करते हैं ठीक है तो जो स्टेट्स शो होते हैं उसमें यह है कि डिफरेंट जैसे स्टेनलेस स्टील स्पून भी आ रहा है ठीक है प्लास्टिक स्पून भी आ रहा है तो वो सब हमारे लिए इेलीवेंट होंगे ना हमारे लिए सिर्फ रेलिवेंट जो हमारा की होगा वो वुडन प्लास्टिक स्पून वुडन स्पून होगा एग्जैक्टली exactly, वुडन exactly. जो हमारा spoon है ना वो मेन की वर्ड है बट अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हो रही है तो वो फिर हमारा ऊपर जो type किया हुआ है 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 वो हमारा main keyword नहीं ठीक है. है. और मैम दूसरा क्वेश्चन रेवेन्यू कैलकुलेटर से हमने ये इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन निकाले ठीक है, है ये आई थिंक सो के ये एक प्रोडक्ट का है ना एक प्रोडक्ट पे हमें इतना वो मार्जिन और इतना प्रॉफिट मिलेगा जी जी तो अगर हमको इसको कन्वर्ट करना हो 500 या 1000 में तो हम सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड या 500 कर देंगे आ, नहीं नहीं मल्टीप्लाई 500 1000 नहीं करेंगे पर प्रोडक्ट हमने मार्जिन रखा होता है कि हमें 35 परसेंट मिल जाए 25 परसेंट मिल जाए या इससे अबाव जितना हो वो तो हमारे लिए वेल एंड गुड है बट इसी से हमें एस्टिमेशन हो जाता है कि हमारा जो प्राइवेट लेबल का मकसद है ना कि हमें रेवेन्यू अच्छा आ जाए वो मिल जाएगा ठीक है वो फिर फर्दर कैलकुलेशन एक्सेप्शनल होती हैं जो जो हमने सप्लायर से बार्गेनिंग करके प्राइस ले ली होती है तो उसके बाद हम ए, एक बजट शीट बनाते हैं तो उस बजट शीट में हम कंप्लीट वे से हमें एनालिसिस हो जाता है कि हमारी फर्स्ट लॉन्च जो इन्वेंट्री हम सोर्स करवाएंगे पाँच पीस पर अगर एग्री हुआ है सप्लायर तो पाँच पीस के हिसाब से वो कितने की पाँच पीस की इन्वेंट्री हमें कितने की पड़ रही है फिर हमें जो है वो शिपमेंट के कितने चार्जेस आ रहे हैं फ्रेड फॉरवर्ड कितने लेगा आगे जाके हमने अमेजोन पे लॉन्च करनी है तो इस तमाम चीज़ों को ना इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेशन की जाती है वो फिर हमें फर्दर आइडिया हो जाता है कि एक फर्स्ट इन्वेंट्री हमारा कितना बजट ले जाएगी ठीक है और पीपीसी के अलहदा से बजट निकालने होते हैं तो ये तो डिपेंड करता है ना कि हमें सप्लायर ने कितने एमओ क्यू दिए हैं और क्या प्राइस दी है मैम हम फ्रेड फॉरवर्डर से कैसे कांटेक्ट करेंगे जिस तरीके से सप्लायर से करेंगे एग्जैक्टली exactly. आपने अलीबाबा की वेबसाइट जहाँ पे अलीबाबा वाले पेज पे कीवर्ड राइट करते हैं ना वहीं पे फ्रेड फॉरवर्डर राइट करना है और फ्रेड फॉरवर्डर आ जाएंगे वहाँ से आपने उनसे कांटेक्ट करना है जी हसन आप क्वेश्चन करें वालेकुम मैम जी वालेकुम सलाम अच्छा मैम मेरा क्वेश्चन तो ليك تھا یہ تھا کہ میں میں نا وہ بتایا تھا میں بلوچستان سے ریجنل نہیں ہوتے ابھی آج جس کی لیے میرے ا گئے ہیں تو میرے بھی میرے سگنل نہ ہوتے ریکارڈ اس لیے دیکھتے ہو کہ رہا کہ اگلی 6 ٹائم ادھر بھی کرتے ہیں असल आपकी आवाज अभी भी कट हो रही है मैं जान गई हूं आपने थीम क्या बताया जी सिग्नल आपके बड़े ड्रॉप हो रहे हैं और इस वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको तो अब इसका क्या हल है फिर आपने प्रैक्टिस वगैरह जो है वो आपने फिर नहीं करनी नहीं मेरा मेरी प्रैक्टिस हो जाती है ये जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं मेरे से मगरब से फिर 10 बजे तक तो इशू होता है ये पेमेंट फिर जरूर के बाकी है आप सही नंबर चलो ठीक है अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी से करते रहे तो के so यही बेस्ट है बाकी ये है जरूरी नहीं है कि फिर क्लास वो में वो तो फिर मैंने जजमेंट करनी होती है ना आप किस पॉइंट पे है ना आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही

तो फिर हमें शिपमेंट की प्राइस नहीं लिखने पड़ेगी उसमें शिपमेंट की प्राइस जो है ना वो लिखनी पड़ेगी वो लिखनी ही पड़ेगी एवरेज के हिसाब से हम इंक्लूड करेंगे उसको क्योंकि आगे पीछे तो कैलकुलेट ये परफेक्शन वाली कैलकुलेशन तो होती कोई नहीं है तो ठीक है और साथ डी डी पी जो है ना वो आजकल तो सप्लायर दे भी नहीं रहे डी डी पी प्राइस सो डैट्स वाई हमने फ्रेट फॉरवर्ड वाली जो प्राइस है ना टू डॉलर शिपमेंट के जो चार्जेस डाले हैं वो राइट करने होंगे अच्छा ये आ, Q4 की वजह से वो DDP की प्राइस में दे रहे हैं नहीं नहीं Q4 भी गुजर गया है, आगे क्रिसमस आ गया, इस तरह देते हमें डी ठीक है क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीक ना एक उसे, अली अलीबाबा के कांटेक्ट किया था तो वो आगे से यही कह रहे थे हम, DDP प्राइस में हम आपको सिर्फ प्राइस देंगे

सो डैट वे जो है ना हुँ. मसला यही है कि ये जो इवेंट्स वगैरह आते हैं ना फिर इनमें सप्लायर जो है ना उनके पास टाइम नहीं होता इन्वेंट्री लॉस के चांसेस होते उनको होते हैं रिस्क होता है तो वो रिस्क में तो कोई भी नहीं ना डेफिनेटली जाएगा अच्छा इस तरह हुँ. से है कि जी सोनम आप क्वेश्चन करें आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें मैंने लेट ज्वाइन किया कि आपने अभी तक आ, कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और दूसरा ये कि आप बजट प्लानिंग बताएंगी कि किस तरह से हम ओवरऑल पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक अपना बजट प्लान करते हैं जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये नेक्स्ट किसी दिन रख लेंगे आ, क्लास और बल्कि ये क्लास भी नहीं ये थोड़ा सा आगे जाने दें ये प्रोसेस

एंड सेकंड थिंग आपने क्लास क्यों लेट ज्वाइनिंग ली है पहले ये बताएं मुझे मैम एक्चुअली इंटरनेट का इशू था सडनली लाइट चली गई और जनरेटर प्रॉब्लम कर रहा था तो उस वजह से मैं सो गई वरना मैं बिल्कुल रेडी थी और ये सब कुछ अचानक ही हुआ नहीं तो फिर ये भी तो होता है ना कि अभी हमने भी तो टाइम को मैनेज करना ना तो अगर एक एक स्टूडेंट को लेके सेपरेट वे से चलना हो तो वो फिर टाइम बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट होगा सो so, कोशिश किया करेंगे स्टार्टिंग पे ही आप जॉइनिंग लें एंड सेकेंड बिल्कुल ओवर व्यू आज का लेक्चर जी रिकॉर्डिंग इन मिल जाएंगी आज का लेक्चर लेक्चर जो है ना वो जस्ट इसके रिकॉर्डिंग था कि हमने बेसिकली देखा है कि टेम्पलेट जो इनिशियल कॉन्टैक्ट टेम्पलेट जो है सप्लायर को जो सेंड किए जाते हैं वो हमने पढ़े हैं इसके अलावा हमने जो है ना वो आर किस तरह से सेंड करते हैं अमेजोन पे या यहाँ पे अली पे

जो हम अली के टेन हमारे पास जो जी एस के जो भी हमारे टॉप टेन या ट्वेंटी होते हैं उनको हम फर्दर एनालाइज किस तरह से करते हैं कि कौन से लोग कितने लोग कौन सा मटेरियल सेल कर रहे हैं वन पीस ज़्यादा सेल हो रहे हैं उस प्रोडक्ट के टू पीस सेल हो रहा है किस प्राइस में लोग ज़्यादातर सेल कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो होती हैं मार्केट सेगमेंटेशन तो आप वो बताएंगी Uh, वो मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना वो बेसिकली कम्पटिटर एनालिसिस है जो इन कम कमिंग लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सारी चीज़ें बाकी राइट right नाउ यही है कि हमने कम्पटिटर जो चूज़ करना होता है ना यार, ये आर ये कैलकुलेटर के लिए वो यही होता है कि हमने जो टॉप टेन होते हैं ना जंगल स्काउट को रन करके वहाँ पे जस्ट आपने इतना सा अपने माइंड में रखना है जिनका रेवेन्यू हाई होगा रिव्यू कम होंगे ना सबसे कम रिव्यू और रेवेन्यू सबसे हाई वो आपका कम्पैटिटर है सिंपल ठीक है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सारी कैलकुलेशन करनी है मैम सप्लायर हमने चाइना से ही फाइंड करना है एग्जैक्टली चाइना से चाइना से इसके अलावा कोई भी नहीं चाइना से आप करेंगे क्योंकि चाइना से चाइना बेस्ट है इस टाइम पे और चाइना मैंने आपको बताया भी था कौन बताएगा चाइना क्यों बेस्ट है क्यों इसको जो है वो हम कंसीडर करते हैं प्रेड़ लेकिन इंश्योरेंस की वजह से प्रोडक्ट जो है चाइना की वो इतनी मतलब ऐसी मानी नहीं जाती है ना कि लाइफ टाइम चले हाँ ये क्वालिटी इशू होता है लेकिन वो फिर हमने सप्लायर को कह के तो अपनी मर्जी से क्वालिटी जो है ना ये इसीलिए सारे क्राइटेरियाज होते हैं सप्लायर को चूज करने के कि हमें क्वालिटी अच्छी मिल जाए क्योंकि ये जो ट्रेड इंश्योरेंस वाले होते हैं ना ये अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं तो इसलिए हमने वही डेफिनेटली सिलेक्ट करने हैं जो सारे क्राइटेरिया को मीट करने वाले होंगे वो अच्छे सप्लायर होंगे उनके पास क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी मैम क्वालिटी देखने सैंपल मंगाते हैं ना और सैंपल का क्या प्रोसीजर होता है सैंपल जो है ना वो हम मंगवाते हैं का जो है ना वो मैंने कल कंप्लीट वे से गाइड किया आयशा आप पिछले लेक्चर अभी मैंने अपलोड नहीं किए आज अपलोड करूंगी तो होपफुली वो आप देखिएगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई एंड ईच एंड एवरी थिंग हमारी क्या क्लाइंट एक एक क्वेश्चन करो ना एक एक क्वेश्चन करें सारे हसन आदमी आपकी आमदानी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मैम उन्होंने मैसेज किया हुआ है ग्रुप के एलसी ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस ये ट्रेडमार्क रजिस्टर ये ट्रेडमार्क जो है ना ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हसन आपने नई लेक्चर सुना मैंने वो अपलोड कर दिया हुआ है वो देखें अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे तो इनबॉक्स तो में कीजिएगा देन मैं लेट इन करूँगी क्योंकि क्लास के रिकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ना वही हो जाए तो काफ़ी है आई थिंक सो क्योंकि ऑलरेडी टू हॉर की क्लास होती है हमने प्रैक्टिकल वे से भी चलना होता है तो आप पिछले लेक्चर से कोई भी क्वेरी होगी अगर आपने नहीं लेक्चर सुना हुआ तो फिर मैं क्वेरी का आंसर भी नहीं करूंगी बाकी ये है क्वेरी जो है वो आपकी वो कंसिडर की जाएगी जो आपने सुन के और आपको हर्डल आई है कोई तो वो इनशाला उसको मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि टॉप टेन में